Hello students, in this lecture we will discuss about all flip-flop and their characteristic equation and characteristic tables. Or including these all, we also discuss about state transition diagrams of flip-flop. Okay, तो मैं continuously चलता हूँ. SR सबसे पहला जो हमारे पास flip फ्लॉप है, कितने प्रकार के होते हैं भाई हमारे पास. सबसे पहले आता है RS फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. दूसरा आता है JK फ्लिप फ्लॉप. तीसरा आता है हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप. और फोर्थ वन है हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप. ओके, तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम. क्या क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में? फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसका डायग्राम, प्लस उसकी क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग, और प्लस सबसे मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है SR फ्लिप फ्लॉप. तो SR फ्लिप फ्लॉप को लेके चल रहा हूं मैं. SR फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है भाई? एक एंड गेट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक एंड गेट हमने यहाँ पे ले लिया. इसके इनपुट में S हो जाएगा, ये R हो जाएगा, दोनों को क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है. यहां से जो इनपुट आएगा वो अनदर एंड गेट के अंदर जाएगा, ये अनदर एंड गेट के अंदर जाएगा. इनकी जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट यहां चली जाएगी और इसकी आउटपुट इसके इनपुट में चली जाएगी. ये आउटपुट हो जाएगा क्यू ऑफ एन और ये इसका बाप, ठीक है. ये हमारे पास लॉजिकल डायग्राम हो गया किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इसकी टेबल बना रहा हूँ. ये हो गया एस आर और ये होगी क्लॉक क्यू एन और क्यू एन के कोरस्पॉन्डिंग क्यू एल प्लस वन हो जाएगा. तो क्लॉक पल्स या तो जीरो होगी या फिर वन होगी. जीरो होगी तो एस और आर की वैल्यू कुछ भी हो, देखो क्लॉक हम नहीं दे रहे. ये क्लॉक क्या है, ये एक्सटर्नल करंट का काम कर रही है कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको ये क्लॉक क्या है, मतलब हम करंट दे रहे हैं, ठीक है. तो जब तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को करंट नहीं देंगे तब तक क्या देगा वो आउटपुट में, जीरो देगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा भाई, ठीक है. फिर अगर हम क्या कर दें, इसको करंट दे दें तो उसके इनपुट पे डिपेंड करेगा. तो इनपुट क्या होंगी, या तो जीरो जीरो होंगी या जीरो वन होगी या वन जीरो होगी और या फिर वन वन होगी, ठीक है. जब करंट नहीं दे रहे तो आउटपुट में क्या रहेगा, प्रीवियस स्टेट पे रहेगा हमारे पास सिस्टम में. नेक्स्ट जीरो जीरो देंगे, इनपुट के अंदर जीरो दे रहे हैं. जीरो का मतलब क्या होता है, देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो का मतलब होता है लो, यानी कि लो वोल्टेज, और वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज. हाई मतलब कोई भी वोल्टेज, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जिसके ऊपर सिस्टम वर्क करे, हमारे पास जो सर्किट है वो काम करे, उसको बोलेंगे हाई वोल्टेज. तो जीरो मतलब इसके ऊपर सिस्टम काम नहीं करेगा. यहां पर भी क्या रहेगा, प्रीवियस स्टेट रहेगी, ठीक है. अब जीरो वन पे बात करते हैं. जीरो वन देखो, देख लेते हैं. जीरो वन मान लेते हैं प्रीवियस स्टेट क्या थी, जीरो जीरो थी. मान लो यहां पर जीरो मिल रहा है तो क्यू बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है. तो मैं देख रहा हूं पहले 1 0 देख रहा हूं, पहले मैं ये सिस्टम देख रहा हूं कि 1 0 के ऊपर आउटपुट क्या देगा. तो 1 0 पे आउटपुट क्या देगा, एस हो गया 1 और आर हो गया 0. क्लॉक पल्स हाई रहेगी तभी हमारे पास काम करेगा. तो 1 रहेगी क्लॉक पल्स, 1 रहेगा ये. तो 1 × 1 1 रहेगा, 1 × 0 0 रहेगा. यहाँ पे ये यहाँ पे नैंड गेट लगेगा, ठीक है. ये सारे कैसे गेट है भाई, नैंड गेट और नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट होते हैं ना, नैंड गेट और नॉर गेट. तो या तो नैंड गेट का यूज करके बनाएंगे या फिर नॉर गेट का यूज करके बनाएंगे हम. तो
तो यहाँ पे वन वन का बार क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा जीरो, जीरो का बार क्या हो जाएगा वन। तो ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग, प्रीवियस स्टेट में जीरो था, यहाँ पे जीरो आएगा, तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का बार यहाँ पे क्या आएगा वन, फिर ये वन यहाँ पे जाएगा, वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का बार क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिल गया हमें वन इस सिस्टम का। ये तो पहले वाले थे सारे, अब ये जो वन आया है ये वन यहाँ पे जाएगा, तो ये आ जाएगा वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन, और वन का क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब कैसे भी देखते रहो यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे हमेशा जीरो रहेगा, कब, जब वन जीरो दिया था, तो वन जीरो के कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा हमें वन देगा, ठीक है। अब एस जीरो दे रहा हूँ, आर वन दे रहा हूँ, तो एस को मैंने दे दिया अब जीरो और आर को मैंने दे दिया वन, क्लॉक पल्स वन ही रहेगी। देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। अभी हमारे पास सिस्टम क्या था, क्यू वन था और ये जीरो है, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, वन बन गया था, वन जीरो के, तो ये जीरो के, तो देखो क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो का बार वन, वन का बार जीरो, ये वन यहाँ पे आएगा तो वन, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार वन, ये वन यहाँ पे जाएगा वन इंटू वन वन, वन का बार क्या हो जाएगा जीरो। अब ये जीरो यहाँ पे डालो, ये जीरो यहाँ पे आएगा तो जीरो इंटू जीरो जीरो का क्या आ जाएगा वन, तो यहाँ पे क्या आ गया वन, तो यहाँ पे तो जीरो आ गया, यहाँ पे वन आ गया। अब इनको कितनी बार ही डाल लो ये यही रहेगा, तो जीरो वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। अब वन वन पे बात कर लेते हैं, वन वन के ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं वन डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी वन डाल, ठीक है, देखते हैं क्या होगा आउटपुट में क्या मिलेगा। फिलहाल हमारे पास आउटपुट क्या था, क्यू एन हमारे पास मान लिया जीरो है, तो क्यू एन बार क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये सिस्टम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो दोनों वन है तो यहाँ पे हो गया वन, वन का बार हो गया जीरो, दोनों वन है वन हो गया वन, वन का बार हो गया जीरो, ये जीरो था जीरो, यहाँ पे जीरो 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 का बार क्या आ जाएगा वन, ये वन यहाँ चला गया, वन इंटू जीरो 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 का बार क्या हो गया वन, फिर इस वन को यहाँ डाल दो वन इंटू जीरो जीरो का बार जीरो वन, मतलब यहाँ पर भी वन आ रहा है यहाँ पर भी वन आ रहा है, तो क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन का बार, क्या ऐसा पॉसिबल है। नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि क्यू एन और क्यू एन का बार इक्वल आ जाए। तो ये जो स्टेट होगी वो क्या होगी, इनडिटरमिनेट स्टेट, यानी कि नॉट डिफाइंड। इस स्टेट को एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है, डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यहीं पर, सब कुछ यहीं पे करेंगे, एस आर को खत्म करेंगे पहले, फिर जेकिंग पे चलेंगे। तो देखो यहाँ एक बात बता देता हूँ मैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो देखो वन वन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, नॉट डिफाइन दे रहा है। तो इस वन वन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक और फ्लिप फ्लॉप बनाया था, जिस फ्लिप फ्लॉप का नाम हमने क्या दिया, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत क्यों पड़ी थी, सिमिलरली है, सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है कि वहां पे वन वन की कंडीशन जो होगी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद, ठीक है। अब इस टेबल का यूज करके मैं क्या बना रहा हूँ, इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो देख लेते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा एस आर फ्लिप फ्लॉप का। एस आर फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन किसी का भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आउटपुट में जो हमें मिलेगा क्यू एन वो या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा उसकी वैल्यू, या उसकी वैल्यू वन हो सकती है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू, क्यू वन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। तो जीरो कब कब होगी ये देखते हैं, जब इनपुट में हमारे पास जीरो जीरो है तो प्रीवियस स्टेट है, मतलब मान लेते हैं एस पहले जीरो जीरो स्टेट में था, तो एस जीरो आर जीरो पे उसी स्टेट में रहेगा। मान लेते हैं पहले वो वन स्टेट में था, तो एस जीरो आर जीरो पे वो प्रीवियस स्टेट पे ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये बन गया, दूसरी बात देखते हैं, जीरो वन पे कंडीशन हमेशा जीरो देगा, अगर प्रीवियस स्टेट जीरो था और फिर हम जीरो 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 वन दे रहे हैं एस जीरो आर वन, तो वो जीरो पे ही रहेगा। मान लेते हैं प्रीवियस स्टेट वो वन पे था और फिर हम देते हैं उसको एस जीरो और आर वन, तो कहां पर रहेगा वो जीरो पर चला जाएगा। अब बात कर रहे हैं वन जीरो, वन जीरो के ऊपर क्या देगा वो वन देगा, तो अगर प्रीवियस स्टेट वन है और फिर हम उसको एस वन और आर जीरो देंगे तो वो वन पे ही रहेगा, ठीक है। प्रीवियस स्टेट अगर जीरो है तो एस वन और आर जीरो देने के बाद
वो कहाँ चला जाएगा, वन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। इनके अलावा हमारे पास इस टेबल से कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो ये जो डायग्राम होगा ये कहलाएगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एस आर फ्लूइड फ्लो। एस आर फ्लूइड फ्लो का क्या है, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके अलावा जो बच गया वो बचता है एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कि इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी और करैक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, कुछ भी इसके बारे में नहीं बचेगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और करैक्टरिस्टिक टेबल सब बताने के बाद फिर जेके के ऊपर चलेंगे। तो देखो करैक्टरिस्टिक टेबल बना रहा हूं मैं, एसआर, ये है हमारे पास क्यू ऑफ एन प्रीवियस स्टेट, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो स्टेट आएगी वो क्या आएगी वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जीरो है हमारे पास। ठीक है, पहले तो ये जीरो है, क्लॉक पल्स क्या होगी, या तो जीरो होगी या वन होगी। एस आर की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो है, जब क्लॉक पल्स वन दिया तब जीरो जीरो है। क्लॉक पल्स या तो जीरो होगी या वन होगी, एस आर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो वन जीरो। क्लॉक पल्स या तो जीरो होगी या वन होगी, तो ये क्या होगी, वन जीरो वन जीरो। क्लॉक पल्स या तो जीरो होगी या वन होगी, इनपुट क्या हो सकती है, वन। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या बन गया, क्लॉक पल्स जब जीरो है तो एस आर की वैल्यू जीरो जीरो होगी, तो आगे क्या मिलेगा वो देखते हैं। क्लॉक पल्स जब वन है तो एस आर की वैल्यू जीरो जीरो है, तो आगे क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो करैक्टरिस्टिक इसकी टेबल जो हमने बनाई थी ट्रूथ टेबल, उसमें देखा था कि जब इनपुट जीरो हो, क्लॉक पल्स जीरो हो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस स्टेट क्या थी, जीरो, तो यहाँ पे मिलेगा जीरो। यहाँ पे वन है, जीरो जीरो पर क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या है, वन, तो ये वन मिलेगा। जीरो वन पे हमेशा जीरो मिलेगा, जीरो वन पे हमेशा जीरो मिलेगा, वन जीरो पे हमेशा वन मिलेगा। वन वन के ऊपर नॉट गिवन, वन वन के ऊपर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं गिवन थी। तो ये होगी इसकी करैक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, अब इसका यूज करके हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और बनाएंगे इसकी। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आएगी, बाय यूजिंग के मैप। के मैप का यूज करेंगे, कितने वेरिएबल है, थ्री, तो थ्री वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास भाई, एस है, आर है और क्यू है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल हैं, या तो जीरो होगा या वन होगा, जीरो 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 वन 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 और वन जीरो, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। के मैप के लेक्चर में हमने बताया था कि थ्री वेरिएबल के मैप इस तरह से बनेगी, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो के ऊपर वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर एस जीरो आर जीरो और क्यू एन की वैल्यू वन, तो यहाँ पे मिलेगा हमें वन। ठीक है, फिर एस जीरो आर वन, एस जीरो आर वन कहाँ पे है, यहाँ पे, और एस जीरो आर वन क्यू जीरो, एस जीरो आर वन क्यू जीरो, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे मिलेगा जीरो। ठीक है, एस जीरो आर वन क्यू भी वन, एस जीरो आर जीरो, एस जीरो आर जीरो क्यू वन, एस जीरो है, आर वन है, एस जीरो है, आर वन है और क्यू भी वन है, तो ये वाली स्टेट होगी, यहाँ पे भी मिलेगा क्या, जीरो। क्यू जीरो है, एस वन है, आर जीरो, एस वन है, आर जीरो है, क्यू जीरो है, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो स्टेट है, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो के ऊपर क्या मिल रहा है, वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन पे वन मिल रहा है, और ये दो स्टेट है, ये नॉट गिवन, इनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये इसके बारे में एसआर फ्लिप फ्लॉप नहीं बताएंगे। के मैप को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, कि पेयर बनाइए, सबसे पहले आठ का पेयर बनाइए, बन रहा है तो नहीं बन रहा, चार का बनाइए नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे दो का पेयर बन रहा है, एक पेयर तो ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो क्यू एन प्लस वन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो इसके बात करें तो एस कोफिशियंट है एज इट इज, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आर एज इट इज है, क्यू चेंज हो गया, तो R ले लें, ये R का बार है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो S को चेंज हो गया, तो S तो आएगा नहीं,
आर बार और क्यू एन, ये हो गया आर बार और क्यू एन। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारे पास ये क्या कहलाएगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर लेते हैं, मैं इसको बना रहने दूं। ठीक है, यहां इसको मिटा देता हूं एक बार। जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम सेम वैसा ही बनेगा जैसा एस आर फ्लिप फ्लॉप का हमने बनाया था, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। थोड़ा सा चेंजमेंट क्या होगा देख लेते हैं। यहां पे इनपुट हमने दिया था और यहां पे दिया था हमने, ये एस था ये आर था, तो इसकी जगह पे मैंने दे दिया जे और ये हो गया टी। ये क्लॉक हमने दी थी, ठीक है, इसके आउटपुट को हमने डी में डाल दिया था, इसके आउटपुट को फिर अनदर नैंड गेट में डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिले थे इसके आउटपुट को हमने इसमें डाल दिया था, इसके आउटपुट को हमने यहाँ पे डाल दिया था। ये क्यू एन था और ये क्यू एन बार था। ठीक है, तो ये हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल एक्सप्रेशन था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको जेके में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो एस आर और जेके में क्या डिफरेंस है भाई, इसके आउटपुट जो है हमारे पास, इसके आउटपुट में से इसके इनपुट के अंदर आप यहाँ पे आउटपुट को इनपुट में डाल देंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1-1 की कंडीशन थी, उस 1-1 के ऊपर ये जो वैल्यू नहीं दे रहा था, अब क्या करेगा, इस 1-1 के ऊपर भी ये कुछ ना कुछ इनपुट हमें देगा। तो वो इनपुट क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप। इसकी ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, ट्रूथ टेबल भी बिल्कुल वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं था। जे और के, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास क्यू एन प्लस वन, ये क्या था क्यू एन, तो ये जीरो होगा, तो ये चाहे कुछ भी हो ये कैसा रहेगा, प्रीवियस स्टेट रहेगा। ठीक है, जब इसको वन देंगे तो जीरो जीरो पे तो वही प्रीवियस स्टेट रहेगा, वन वन वन, क्या क्या स्टेट हो सकती है, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, जीरो वन पे जीरो देगा सेम एस आर की तरह, वन जीरो पे वन देगा, वन वन पे वन वन की कंडीशन है, वन वन पे क्या हो जाएगा, वन वन पे जहाँ पे एस आर नॉट डिफाइन था वहां पर जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसका बार आउटपुट में देगा। इसको सोल्व करके देख लेना, ये हमारे पास उसका बार आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी वो करेक्टरिस्टिक टेबल क्या बन जाएगी, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर है सेम, वन वन के ऊपर क्या देगा, जो प्रीवियस स्टेट थी उसका बार, मतलब जीरो था तो वन कर देगा, और वन का क्या कर देगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल होगी, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये करेक्टरिस्टिक टेबल होगी किसकी, जेके फ्लिप फ्लॉप की। इसके कोरस्पॉन्डिंग में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के, ये जीरो जीरो। इनपुट देख लेते हैं क्या क्या है, कहाँ पे क्या है, इनपुट जो होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो जीरो पे जीरो कह रहा था। ठीक है, यहाँ पे जे जीरो, के जीरो और क्यू एन वन, तो यहाँ पे दे देगा वन। सिमिलरली यहाँ पे भी वन रहेगी, यहाँ पे भी वन रहेगी, यहाँ जीरो रहेगी, यहाँ जीरो रहेगी, ये दोनों नॉन डिफाइंड है, इन दोनों नॉन डिफाइंड के कोरस्पॉन्डिंग क्या देगी, क्यू एन जीरो और ये दोनों वन वन, उसके कोरस्पॉन्डिंग तो देगी वन, तो यहाँ पर तो देगी वन और यहाँ पर क्या देगा, जी। ठीक है, अब हम के मैप को सोल्व करते हैं। के मैप को सोल्व कैसे करते हैं फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, तो हम बनाते हैं इनके पेयर्स, पेयर्स में कोशिश करेंगे कि कम से कम पेयर बनाने पड़े, ताकि कम से कम लॉजिक गेट्स का यूज करना पड़े। तो देखो, अब यहाँ पर हर एक पेयर ये बनता है, एक ये बनता है, और हमें पता है कि के मैप के अंदर एंड टू एंड पेयर भी बनते हैं, तो इस वन को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का पेयर बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का पेयर बनाएंगे तो देखो, ये वाला जो पेयर बन रहा है इसमें ये वन भी दो बार यूज हो गया, ये वन भी दो बार यूज हो गया, दोनों के दोनों वन दो बार यूज हो रहे हैं, मतलब हमारे पास एक लॉजिक गेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना अगर हम इस पेयर को खत्म कर दें, इस पेयर का यूज नहीं करें, तो भी हमारे पास सारे के सारे वन पेयर में आ गए, ठीक है ना, तो लॉजिक गेट तो यूज हो गए, लेकिन एक लॉजिक गेट कम यूज करना पड़ेगा। तो जेके की जो क्यू वन प्लस वन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, वो क्या हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, देखो जे यहाँ पर बात करें तो
तो यहाँ पर बात करेंगे तो जे चेंज हो रहा है, के हमारे पास जीरो है तो के बार, क्यू एन की वैल्यू वन है तो क्यू, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर यहां से यहां जब बात करेंगे तो देखो के जे फिक्स है तो जे की वैल्यू वन है हमारे पास, यहां से यहां जाएंगे तो के जीरो से वन चेंज हो गया तो नहीं लेंगे, क्यू एन की वैल्यू जीरो है तो क्यू एन का बार रहेगा, ये हो जाएगी हमारे पास क्या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अब सब कुछ हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में, सिर्फ क्या बताना है हमें इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और डिस्कस करना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा। ठीक है भाई, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसकी ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, जो ट्रूथ टेबल है वो बता देगी कि इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा। ठीक है भाई, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू एन जो होगा उसकी वैल्यूज क्या होगी, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, क्यू एन की वैल्यू हमारे पास या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ठीक है, तो जीरो कब होगी, देखो जीरो कब होगी, जब जीरो जीरो इनपुट है तो प्रीवियस स्टेट है, मान लेते हैं प्रीवियस स्टेट जीरो है और जे और के जीरो दें, जे भी जीरो के भी जीरो तो प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। ठीक है, जे जीरो के वन देंगे तब भी जीरो रहेगी, मान लो प्रीवियस स्टेट ये है और उसके बाद हमने दे दिया क्या जे जीरो दे दिया और के जीरो दे दिया तो फिर भी वही स्टेट रहेगी। वन कब होगा, प्रीवियस स्टेट वन थी तो जे जीरो के जीरो के ऊपर क्या रहेगा, वन ही रहेगा क्योंकि जे जीरो के जीरो पे तो प्रीवियस स्टेट ही देगा। ठीक है, फिर वन जीरो के ऊपर जे वन और के जीरो चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, जे को वन दें और के को जीरो दें तो आउटपुट वन ही रहेगा, यही रहेगा। सिमिलरली अगर प्रीवियस स्टेट जीरो है और हम देते हैं जे को वन और के को जीरो तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेट वन है और हम देते हैं जे जीरो और के जीरो, के को वन, जे जीरो और के वन तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में वन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है, ये तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी ऐसा ही था। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रखी है क्या, कि वन वन की कंडीशन पे क्या होगा, वन वन की कंडीशन पे क्या होगा, प्रीवियस स्टेट को फ्लिप कर देगा, चेंज कर देगा, अगर जीरो वन था तो वन वन पे जीरो दे देगा, यानी कि जे को वन और के को वन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो था तो जब हम जे वन और के वन देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो से वन में बदल जाएगा और वन से जीरो में बदल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में इससे ज्यादा आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैसे काम करता है, उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक टेबल क्या है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है टी फ्लिप फ्लॉप। क्या आता है, टी फ्लिप फ्लॉप। देखो टी और डी फ्लिप फ्लॉप बचते हैं हमारे पास, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो बनेंगे बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप नाम से है, टी का मतलब है टॉगल करना, टी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि वो जो भी इनपुट देंगे उसको टॉगल कर देगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा, बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ये हो गया जे, ये हो गया के, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट दे देंगे, ये हो गया इनपुट। ठीक है, तो यहाँ की कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी क्यू एन और ये मिलेगी क्यू एन का बार। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे, देखो ये हो गया क्यू एन, ये हो गया टी, टी ही लिख दो डायरेक्ट, जे के तो दो है, दो मतलब तीन ले लेंगे तो हम इसको टी लिख देते हैं डायरेक्ट और ये हो जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी एन प्लस वन। ये जीरो है तो ये चाहे कुछ भी रहो ये प्रीवियस स्टेट रहेगा, ये वन देंगे तो ये तो जीरो होगा या फिर वन होगा,
तो जीरो देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जीरो 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 के ऊपर जेके फ्लिप फ्लॉप देता है प्रीवियस स्टेट, ठीक है। वन हम देंगे तो ये होगा वन 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 के ऊपर जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कर देता है, अपनी प्रीवियस स्टेट को टोगल कर देता है। ये हो जाएगा हमारे पास किसकी जीरो के ऊपर जब टी जीरो है तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट रहेगी, टी जीरो है तो प्रीवियस स्टेट रहेगी, जब टी जीरो है तो प्रीवियस स्टेट रहेगी। वन के ऊपर चेंज कर देगा, जब वन देंगे तो वन से जीरो में चला जाएगा, जब वन देंगे तो जीरो से वन में चला जाएगा। ये हो गया हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, और टी फ्लिप फ्लॉप के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्यू एन लेते थे टी लेते थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एन प्लस वन लेते थे, तो या तो जीरो रहेगी या फिर वन रहेगी, या फिर जीरो या वन, तो ये जीरो जीरो रह सकता है या वन वन रह सकता है। तो जीरो जीरो के ऊपर तो रहेगा प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट वन वन के ऊपर जीरो का वन कर देगा, वन का जीरो कर देगा, प्रीवियस स्टेट मतलब जीरो का जीरो रहेगा वन का वन रहेगा, तो क्या बन जाएगी ट्रूथ टेबल हमारे पास, टू क्रॉस टू की के मैप बनेगी, यहाँ पे टी हो गया यहाँ पे क्यू एन हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो पे तो प्रीवियस स्टेट रहेगा जीरो का जीरो वन का वन, वन पे क्या करेगा टोगल कर देगा, जीरो का वन बना देगा वन का जीरो बना देगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा जीरो वन जीरो वन, तो जीरो जीरो पे क्या है जीरो, ठीक है, जीरो वन पे क्या है जीरो, वन पे क्या है हमारे पास वन, जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन क्या है वन, जीरो पे ऊपर क्या है वन और यहाँ पे क्या है जीरो, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो क्या बनेगी टी क्यू एन बार प्लस टी बार इंटू क्यू एन। ये हमारे पास बन गई हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट टी फ्लिप फ्लॉप। ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी, ये करेक्टरिस्टिक टेबल होगी, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, ये इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा, सब कुछ अबाउट टी फ्लिप फ्लॉप आपके पास बिल्कुल सामने है, बोर्ड के ऊपर है, इसके अलावा टी फ्लिप फ्लॉप के आपसे कोई कुछ नहीं पूछे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप भी टी की तरह ही जेके फ्लिप फ्लॉप से बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनपुट, ये हो गया जे, ये हो गया के, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये इनपुट आएगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिलेगा क्यू एन, और ये मिलेगा हमारे पास क्यू एन का बा। इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं तो ये डी हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू एन प्लस वन मिलेगा, ठीक है। ये जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, जीरो पे जाए कुछ भी हो, तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये जीरो होगा तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग देखो हम कुछ भी दे दो, वो क्या दे रहा था जेके फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस स्टेट दे रहा, तो ये प्रीवियस स्टेट देगा, जब ये वन देंगे तो इनपुट में या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। इनपुट में जीरो देते हैं तो ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, जीरो वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आउटपुट मिलेगा, जीरो वन के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और फिर वन जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वन नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो, वन जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा वन, ये हो गई ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्राइव करते हैं तो क्यू एन प्लस वन जो होगा वो या तो जीरो होगा या फिर क्यू एन प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा वन होगा, ठीक है। अब जीरो कब होगा, देखो जब हमने क्या दिया था
डी को जीरो दे रहे हैं तो वो जीरो देगा, डी को जीरो दिया तो वो जीरो देगा। मान ले पहले यहाँ पे था और डी को जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो। जब डी को वन देंगे तो प्रीवियस स्टेट अगर जीरो था तो वन हो जाएगा, अगर वन पे ही था तो वन बन गए। तो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ किसका, डी फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी ट्रूथ टेबल नहीं, क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और करेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप के केस में उसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और करेक्टरिस्टिक टेबल होगी वो क्या होगी, देखो ये जेके फ्लिप फ्लॉप था तो क्या था हमारे पास क्यू एन डी और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एन प्लस वन, ठीक है। अगर ये जीरो है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी या तो जीरो होगा या वन होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये जीरो दे रहे हैं तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग, जब डी जीरो दे रहे थे तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस स्टेट देगा जीरो, वन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देगा, वन देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब क्लॉक पल्स वन है तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, जीरो वन, जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे वन, तो ये आ जाएगी हमारे पास आउटपुट ऑफ करेक्टरिस्टिक टेबल की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बना देंगे बाय यूजिंग के मैप, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा क्यू एन, या तो जीरो होगा या वन होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा, दोनों ही जीरो 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 पे वैल्यू थी जीरो। D1K0 यहाँ पे देगा वन, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हो जाएगी वन। तो यहाँ के मैप के अंदर ये पेयर बन रहा है, इस पेयर का यूज करके मैं क्यू एन प्लस वन की करेक्टरिस्टिक टेबल बना दूंगा, तो करेक्टरिस्टिक की टेबल पे क्या बनेगी, क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू डी। दिस इज ऑल अबाउट ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, जेके फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ओके।